दिल्ली की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है. हम लोग दिल्ली बेस्ड है, ये अलग बात है कि ऑफिसेज और जगहों पे भी हैं, मुंबई में है, पीजी में है, लखनऊ में है. और ये हम लोगों की पहली फीचर फिल्म है. एक खास सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर के ये फिल्म बनाई गई, एक महिला की सोच को पहुंचाने की कोशिश की गई. एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का दौर है तो हम लोगों ने भी ऐसा ही कुछ प्लान किया है. एक इमोशनल स्टोरी है, साइकोलॉजिकल ड्रामा है. एक खास बात जो मैं कहना चाहूंगी हरिकृत फिल्म के बारे में वो ये है कि ये एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिसमें कि कोई भी अगर आइडिया लेकर आता है तो वो फिल्म लेकर हाथ से बाहर जा सकता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस हर चीज से इक्विप्ड है जो आपको हॉलीवुड की फिल्म बनाने में जिन चीजों की, जिस प्रोफेशनल थॉट की और टेक्निकलिटी की जरूरत होती है वो सारी हमारे इस प्रोडक्शन हाउस में अवेलेबल है. तो इसलिए मैं पूरे उससे कह सकती हूँ कि ये एक कम्प्लीटली इक्विप्ड प्रोडक्शन हाउस है. और इस फिल्म का फाइनल प्रिंट जो कि जनरली लोग जो दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया में जो लोग बनाते हैं वो बॉम्बे जाकर के उसका फाइनल प्रिंट लेते हैं, पर हमारे स्टूडियो से अ थिन लाइन का फाइनल प्रिंट निकाला गया है. सो दैट वे वी कैन से कि द फिल्म फ्रॉम स्क्रैच टू एंड हैज बीन मेड इन दिल्ली बाय दिल्ली आइट. ऑफकोर्स हमारे साथ बॉम्बे के राहुल जी हमेशा साथ रहे हैं, वीरेन जी हमेशा साथ रहे हैं. मुझे मालूम है कि आप मुझसे ज्यादा राहुल जी की बातें सुनना चाहते हैं. हम अपने जो दिल्ली बेस्ड सिंगर, एक और चीज जो हम लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ पे मैक्सिमम दिल्ली के लोगों को मौका दिया जाए काम करने का. तो नीचे के सभी लोग दिल्ली से ही हैं, काम करने वाले सभी लोग हैं. इसमें जो म्यूजिक कॉम्पोजिशन हुई है, जो गाया है, गायक भी दिल्ली के हैं. एक गायिका हमारी बॉम्बे से है, पामेला जैन जी, बट उनके अलावा बाकी जितना भी काम है कॉम्पोजिशन सब कुछ दिल्ली में किया गया. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टॉकिंग अबाउट हरिकृत फिल्म एंड आवर फर्स्ट फीचर फिल्म अ थिन लाइन. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू ऑल. थैंक यू. अच्छा मैं आगे भी थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेती हूँ. इनफैक्ट ये मैंने आपको बताया कुछ एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रोड्यूसर कुछ सोचता है और सोचने के बाद डायरेक्टर के पास चला जाता है कि मेरी सोच है, इसको आप शक्ल दे दीजिए. और इससे पहले कि मैं अपना ये माइक अपने डायरेक्टर वीरेन लाल जी के तरफ भेजूँ, हियर कम्स द सिंगर एंड द म्यूजिक कंपोजर ऑफ द लाइन आभास. ये बच्चा दिल्ली से ही है और इन्होंने हमारी फिल्म को अपनी आवाज भी दी है, अपना कॉम्पोजिशन भी दिया है. तो आभास से आप लोग बात कीजिएगा. उससे पहले मैं फिल्म के डायरेक्टर जो है वीरेंद्र लल जी, उनको मैं ये माइक भेज देती हूँ ताकि वो बात कर पाए. सभी को नमस्कार. वैसे तो मनीषा जी बिल्कुल बता दिया है फिल्म के बारे में. ये एक बड़ी अलग तरह की कहानी है और सिर्फ तीन कैरेक्टर जो है एक घर के अंदर अपनी कहानी है. सारा कस्टमर जो है घर के अंदर ही है और वही इसका एक फिल्म है, वही इसका ड्रामा है घर के. और बाकी तो फिर फिल्म भी वो देखेगा. एक्चुअली ये फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं में बनाई गई थी. हिंदी में अलग से शूट हुई थी और अंग्रेजी में अलग से शूट हुई थी. आपको इस समय जो फिल्म देखने को मिलेगी पीवीआर के साथ वो हिंदी वर्जन मिल रही है. हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि बहुत सारे लोग, क्योंकि एक अर्बन कहानी है, बहुत से लोग अंग्रेजी पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि अगर आपको ये बताने के हम पढ़े लिखे हैं तो आप मुस्कुराएंगे, हाथ मिलाएंगे और पूछेंगे हाउ आर यू, नमस्ते करके हाथ पूछने का तो मौका निकल गया ना. हम लोगों ने भी ये फिल्म दो भाषा में बनाई है, हिंदी में और अंग्रेजी में. अभी हम लोग आपके पास हिंदी वर्जन लेकर के पहुंच रहे हैं जो कि हिंदी में शूट हुआ है. प्रॉपर शूट की गई है, इंग्लिश में प्रॉपरली शूट की गई है. बिल्कुल सही है, उसके गाने भी अंग्रेजी में है और भी भाषा में होना.
एक ही फिल्म है, यही फिल्म हिंदी में भी बनी है और यही फिल्म अंग्रेजी में भी बनी है, दो भाषाओं में बनी है, बनाई गई है। Now we would like to share some glimpse of the soul of the film through one of the songs featured in the film. कहाँ भेज रहे थे उसके बाद लंबी बातचीत कर रहे हैं बाद में कर लेंगे, पहले फिल्म की बात करें। राजनीति की तो सारी चीजें चिट्ठे खुल गए हैं ना, अब क्या बचा है? बट हूँ आपके लिए तो बचा है। हाँ मैं तो हूँ यहाँ कहीं जा रहे आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहे और आज की जो जनरेशन है वो कहती है कि राहुल जी आपको इतना सपोर्ट कैसे मिलता है। मैं कहता हूँ शायद मेरी नसीब अच्छी है बट मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मती समझता हूँ कि मीडिया का सपोर्ट 29 साल से मेरे लिए बिल्कुल बरकरार रही है और 9 साल के वनवास के बाद जो मेरी फिल्में अब आने लगी है तो आप ही का सपोर्ट जो है वो दर्शकों के सामने ये लेके आएगी ये फिल्म को। मैं जब ये फिल्म हरिद्वार फिल्म्स और ये डायरेक्टर साहब जो मेरे राइट साइड में बैठे हुए हैं तो मैं भी कुछ ऐसी फिल्में ढूंढ रहा था कि ये जो नया दौर है फिल्मों का, क्योंकि नेचुरली प्लेटफॉर्म बहुत ही चौड़ा हो चुका है, अलग टाइप की फिल्में बनने लगी हैं, नए नए कॉन्सेप्ट जो हैं, स्टोरीज जो हैं, वो फॉर्मूला जो चेंज हो गया है, कोई भी टाइप की अच्छी कहानी के साथ अच्छी कहानी के साथ आप आ सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट के ये आप रिलीज करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, सिनेमा वेब पे मोबाइल फोन्स पे कई जगह आ सकती हैं। तो अब थिन लाइन जो बहुत ही बारीक लाइन होती है और ये कहानी जो है ये 90s में भी अगर बनती है 2000 में बनती है आज तो बन करके रिलीज हो रही है, मेरा ख्याल से बहुत ही रेलेवेंट कहानी है। मैं इस चीज को इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं रोमांटिक हीरो कहा जाता माना जाता हूं और इस कारण कई लोग जो पर्सनल लाइफ में मिलते हैं और कहते हैं कि राहुल जी काफी लोग दुखी हैं, पैसा कितना भी हो कई चीजें खरीदी जा सकती हैं लेकिन पर्सनल लाइफ में खुशी हैप्पीनेस जो है वो चीज को खरीद नहीं सकते और उस आत्मा की खुशी के लिए हम कुछ भी आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है ये फिल्म उस चीज को कोशिश कर रही है उसको समझने के लिए, उस चीज को लोगों को दर्शाने के लिए, उस सच्चाई को सामने लाने के लिए। द रियलिटी एक आदमी और एक औरत के बीच का जो संबंध है, प्रेम का संबंध है शादी के बाद, नॉर्मल हिंदी फिल्में दिखाती हैं कि एक लड़का लड़की को कैसे पटा करके शादी कर लेता है, ये कहानी उसके बाद की है। शादी कर ली उसके बाद क्या होने वाला है, पटाने तक तो हर कोई की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रहती है, पटाने के बाद जो कहानी होती है उसके बाद क्या होने वाला है और ये वहां की कहानी है। पटाने के बाद हस्बैंड जो है बहुत ही एरोगेंट, अपने आप को हमेशा बहुत ही समझता है कि वो हमेशा सही है, अपनी बीवी को दबा के रखता है, चाहे वो इग्नोरेंस से हो चाहे वो डर से हो कि वो अपनी बीवी को खो देगा, चाहे वो एक विचारधारा से है कि इसी तरीके से एक औरत को रखना चाहिए घर में, क्योंकि वो एक विचारधारा रही है उसकी समाज से या उसके घराने से
एक ऐसी विचारधारा रही है और लड़की जो है उस शादी के बंधन को रखने के लिए वो चीज को सहती है, पढ़ी लिखी है, आज की मॉडर्न औरत है, वो उस घराने को उस शादी को बरकरार रखने के लिए हर चीज को सहती है। और कैसे वो एक रिश्ते को, एक ट्रू लव को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन जाती है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन वो बैरियर को तोड़ नहीं पाती है। लेकिन एक रात एक ऐसा हादसा होता है कि अजनबी उनके घर पे रात के लिए आता है और वो ड्रामा जो उस रात को होता है, कैसे इंसान के अंदर जो हैवान होता है वो हैवान जब बाहर निकलता है तो हर शख्सियत उस घर में, ये तीन शख्सियत है, हर इंसान कैसे रिएक्ट करता है, एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन आता है और उसको ये लोग कैसे कन्फ्रंट करके एक अंजाम तक आते हैं। मैं वीरेंद्र ललित का शुक्रगुजार हूं कि ऐसे डायरेक्टर ने मुझे चुना इस फिल्म के लिए। मुझे लगता है कि ऑडियंस इस फिल्म को अप्रिशिएट करेगी। मैं खुश हूं क्योंकि इस डायरेक्टर को मैंने पकड़ करके दो और फिल्में ली हुई है, वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अ थिन लाइन इज वन ऑफ द फिल्म, इसके बाद पांच और फिल्में आ रही हैं, तो आई एम श्योर कि ऑडियंस मुझे मौका देगी। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब भी एक कहानी बनाई गई है एक रात की एक ही घर में, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें मैटर, डायलॉगबाजी, फोटोग्राफी, किस टाइप का टेंशन होगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने ये फिल्म देखी है उनको आभास ही नहीं होता कि ये कितना, एक घंटा 40 मिनट कैसे चले गए, लोगों को समझ में भी नहीं आता। और जैसे मनीषा जी ने बताया, ये फिल्म दो वर्जन में बनाई गई है, साइमल्टेनियसली इन लोगों ने हर सीन को दो बारी शूट किया गया है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, सारे एक्टर्स ने दोनों भाषा में खुद ही एक्ट करके खुद ही डायलॉग दिए है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट एंड अपनी इंडियन मार्केट दोनों के लिए की गई है, तो ये दोनों रिलीज होंगे, फिलहाल तो हिंदी वर्जन रिलीज होगी। And the songs also are ready. And Abbas, जो अपना बच्चा यहाँ है, इन्होंने बहुत ही अच्छा म्यूजिक दिया है according to the script. अब let's see कि वो म्यूजिक भी कैची, लोगों को रोमांटिक म्यूजिक भी पसंद आए। एंड मैं हरिकेट फिल्म्स को दाव देता हूँ कि फ्रॉम दिल्ली इन्होंने एक सेपरेट अप्रोच लिया हुआ है फिल्म मेकिंग का, वो टिपिकल कमर्शियल फिल्म के पीछे नहीं गए, ये नीश सिनेमा के पीछे गए, एक अच्छी समझदारी इंटेलिजेंट फिल्म जिसे कहते हैं उसके पीछे गए हैं, उस टाइप की फिल्में के लिए गए हैं। फिल्म्स जो अर्बन इंडिया पसंद करेगी, जिस टाइप की सिनेमा आप फैमिली के साथ भी जाकर देख सकते हैं, इसकी सर्टिफिकेशन आई है यूए, हाँ, तो यू कैन गो एंड सी दिस फिल्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस फिल्म एंड आई विश हरिप्रीत फिल्म ऑल द वेरी बेस्ट। और दिल्ली 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 बोलते जाते हैं लोग, हाँ ये बात सही है कि मैं मुंबई में पैदा हुआ था, बट आप भूलिए मत के 19 साल मैंने भी यहाँ मैं रहा हूँ, सेंट नंबर्स हाई स्कूल में यहाँ पर पढ़ा हूँ, और दिल्ली से बहुत अच्छी तरह मेरा भी वाकिफ है। राजनीति की बातें बाद में करते हैं, सेंटर से ही घूमना है, पर गाना देख लेते हैं। एंड थिन लाइन बहुत लंबी लाइन की इसकी जाएगी मेरे ख्याल से 11 जनवरी से, आप लोगों के प्यार से आई विश देम ऑल द बेस्ट।
हाँ जी, ये एक्चुअली रोमांटिक एक्टर है, रोमांटिक सिंगर।
पच्चे हफ्ते बाद बता दीजिए तो ऑर्डर लग नहीं था सर तो What you can say is a commercial art print, or you make something abnormal to normal? Actually, abnormal normal बात बता रही है. Actually, मैं अपने style जो मेरा music का style है, R&B, international लोग मेरे inspirations हैं. तो जो मेरे music का style है, उसको मैंने merge कर दिया, एक fusion बना दिया, movie के लिए. क्या character क्या? What is the expose of that? I'm sorry, yeah. आप राहुल जी की कैरेक्टर के लिए बात करें इनफैक्ट हर एक अर्बन स्टोरी है अर्बन कैरेक्टर है आज के दौड़ भाग वाली जिंदगी की एक महिला है और आज के समय में अपने घर परिवार को खुश रखने के लिए मेहनत करता हुआ एक बिजनेसमैन है तो ये कैरेक्टर आज का अर्बन कैरेक्टर है सो ये गांव की कहानी नहीं है अर्बन कहानी तो थोड़ा कठोर शब्द यूज करूंगा या लाइन ही यूज करूंगा हर मूवी में सस्पेंस देखने को मिलता है तो इस मूवी में क्या ऐसा मतलब दर्शकों को सस्पेंस अच्छा लगता है कि पूरी मूवी के बाद में जब सस्पेंस निकल के आता है तो जो क्या क्या मैं आप दोनों आप सॉरी मैं आप दोनों के सवाल का मैं जवाब देता हूँ वो सस्पेंस क्या रहेगा सस्पेंस बताइए थोड़ी आप और क्या मैं एक मिनट मैं आपको थोड़ा समय दे दूँ मैं जवाब देता हूँ आप एक हाईली मैन जो है जनरली चाहे आज की सोसाइटी हो या हमेशा सोसाइटी हो हाईली इनसिक्योर इंसान होता है हम खुल के बोलते नहीं है या खुल के आजमाते नहीं है या जब शीशे में देखते हैं तो हम उस चीज को आजमाते नहीं है ना एक्सेप्ट करते हैं कि हम इनसिक्योर है खास तौर से जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो जब वो इनसिक्योरिटी को हम सामना नहीं कर सकते हैं तो हम को करने के लिए हम लोग बहुत अग्रेसिव किसी भी सिचुएशन में उस चीज को छुपा लेंगे अब आप सोचिए कि एक लड़की एक ऐसे इंसान के साथ प्यार करती है और उसकी शादी हो चुकी है उस इंसान के साथ और उसको पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ गुजारनी है और उसने ठान लिया है कि अगर मैंने साथ फेरे इस इंसान के साथ लिए तो अब मैं गुजारूंगी लेकिन उस औरत का भी एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है तो आज का समय यह है कि पहले क्या होता था कि एक शादीशुदा औरत जॉइंट फैमिली में रहते थे एक सपोर्ट सिस्टम होता था चार लोग मिल करके या तो आदमी को काबू में लाते थे या लड़की को टेक्निकली काबू में लाते थे और जवाब आज ये चीजें फिर नहीं है आज लड़के और लड़की को खुद ही आना पड़ता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लड़के और लड़कियां अलग है जो फैमिली वाला हिसाब किताब नहीं रहा है इन अर्बन सिटीज तो या कम्युनिकेट करें या से आंख से देखते हैं लोग सेपरेटेड होने लगे हैं डिवोर्स में क्योंकि कम्युनिकेशन होता नहीं है ईगो है झगड़े हैं ये सब्जेक्ट जो है उस इशू पे बहुत गंभीर तरीके से टैकल कर रहा है एंड जो सस्पेंस वाली बात है वो जो तीसरा कैरेक्टर आता है वो आप कैसे लगाता है उस सच्चाई को सामने लाते हुए और फिर मेरा कैरेक्टर उस चीज पे कैसे रिएक्ट करता है क्योंकि वो ऑलरेडी इनसिक्योर है जेलस है वो उस एक रात की कहानी है दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग और क्यों मैं कहता हूं कि ये कहानी लोगों को पसंद आएगी क्योंकि ये कहानी मैं हालांकि लोग मुझे देखेंगे आकांक्षा शिवारे को देखेंगे
त्रिविक्रम को देखेंगे, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर्स में अपने आप को देख रहा है। ये रिलेटेबल कैरेक्टर्स है, और जब कैरेक्टर्स, जब ऑडियंस अपने आप को उस फिल्म में देखती है तो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर की वहां जीत होती है, क्योंकि वहां पे जब ऑडियंस अपने आप को देखती है तो वो फिल्म की एक कहीं ना कहीं एक कामयाबी होती है। तो हमारी कोशिश ये है इस फिल्म से, थिन लाइन से, कि ऑडियंस जब इस फिल्म को देखती है तो कहीं ना कहीं रिलेटेड फील करती है, सिचुएशन को रिलेटेड फील करती है, और जब बाहर निकलते हैं उस फिल्म को देख करके तो जो कुछ सवाल उनके दिमाग में, अगर उनके उन सवालों के जवाब उनको मिल जाए तो आई थिंक इस प्रोडक्शन हाउस की कुछ हद तक जीत है, और फिर सक्सेसफुल हो तो हमारी जीत है वहाँ पे। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो एक इस स्टेज पर आकर एक फिल्म वाली आशिकी वाली कैटेगरी तो नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं, देखिए दो तीन चीजें, सर देखिए ऐसा है, अगर आज मैं कहूँ कि मैं 9 साल के बाद आया कि बड़े के बड़े बैनर सब वहाँ पे रेड कार्पेट लेकर के बैठे हुए थे, मेरे लिए तो गलत बात है, कोई नहीं बैठा हुआ था, पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई है। और ये है, ये बात भी सही है कि कई लोग हैं जिनके साथ मैं वापस काम करना चाहता था, उनमें से कई लोग हैं जिन्होंने उनके जो लगान है नए लोगों को दे दिए हैं, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो जो बेस्ट सब्जेक्ट्स, जो बेस्ट मेरे पास ऑफर्स आए थे, मैंने उन हालातों को मद्देनजर लेते हुए रियलिस्टिकली अप्रोच करके मैंने वो चीजों को लिया, और अपने टैलेंट या अपने लक को बोलो, अपने आप पे विश्वास करके किया कि मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि काम ही बोलता है। बाकी जितनी मेरी ताकत है, मेरे जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे आप लोगों के साथ, मेरे ऑडियंसेस पे भरोसा है कि वो जानते हैं कि मैंने पिछले जो भी फिल्में की हैं कि वो एक नॉस्टैल्जिया है, और अपने आप को एक नए तरीके से लेके आना, पेश करने का। अब ये जो है, तो जो 1990 में आशिकी था, 2018 में वो आशिकी तो मैं कर नहीं सकता हूँ, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन अगर मैं ये जो नए 5-6 फिल्में एक अलग तरीके से मैं एक अपने आप को पेश करूं, और कहीं ना कहीं दर्शकों के दिल में फिर से जगह कायम करूं कि लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो वो मेरी जीत है। आज अगर कोई भी एक्टर कहीं ना कहीं काम कर सकता है हमारे इंडस्ट्री में, अच्छे रोल्स कर सकता है, जिंदगी भर काम कर सकता है, तो मेरा ख्याल से उससे बेटर क्या अचीवमेंट हो सकती है एक एक्टर के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए जब राहुल जी को ये सब्जेक्ट बताया गया, और इसमें जो मेन लीड है उसकी एज के बारे में बताया गया, उसका जो मेंटल स्टेटस है, इनसिक्योर उसकी थॉट्स हैं, उसके बारे में बताया गया, तो राहुल जी ने बहुत मेहनत की और एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन किया उन दिनों, ताकि वो उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर सके। और एक और खास बात जो मैं ऐड करना चाहूंगी इस फिल्म के साथ, कि इस फिल्म की जो हीरोइन है आकांक्षा शिवहरे, वो एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। उनका चयन जब हुआ ऑडिशन के बाद, और वीरेन जी के पास वो पहुंची और उन्होंने अपना ऑडिशन दिया, और हम लोगों के पास एक था कि हम किसको सिलेक्ट करें, तो एक थॉट उस समय हमारे मन में ये आया एज प्रोड्यूसर्स, मी एंड संजय मंसल, कि एक कैंसर सर्वाइवर को अगर हम इस काम को बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके काम में कोई कमी नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है, उन्हें मौका नहीं दिया जाना चाहिए, ये हमें ठीक नहीं लगा। और दूसरी एक और बात कि उनके काम करने से उन सभी कैंसर सर्वाइवर्स को एक मैसेज मिलता है कि लाइफ खत्म नहीं होती अगर आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो फॉर दैट मैटर हमने उनको सिलेक्ट किया, और ये अच्छी बात है कि अगर हमने उन पर भरोसा किया तो उन्होंने हमें उस भरोसे का 200% वापस दिया। उन्होंने अपने काम में कभी कोई कमी नहीं रखी,
राहुल जी ने उनको पूरा सपोर्ट किया और वैसे तो हर एक प्रोड्यूसर के लिए उसकी टीम एक फैमिली होती है, पर ये मैं कह सकती हूँ इन फ्रंट ऑफ द कंप्लीट टीम हियर कि अ थिन लाइन की पूरी टीम, एक एक बंदा चाहे वो छोटा था चाहे वो बड़ा था, सबने एक परिवार की तरह काम किया एंड दिस इज व्हाट द क्रेडेंशियल ऑफ दिस प्रोडक्शन हाउस. एंड माय क्वेश्चन इज टू राहुल. Rahul, I just wanted to ask you, like ma'am said about Akanksha, she being a cancer survivor, so how did you feel as your co-star, means, you know, and is this going to be a women-centric film, like at the end of the day, means are the audience going to, you know? See, unlike your character in this film, I am insecure because maybe life mein hamesha Anu Bharat was a very strong woman in my life, jo meri maa thi. वो यूनिसेफ के लिए 35 साल काम किए हैं, तो मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे पीछे एक बहुत ही मजबूत औरत थी जिन्होंने हमेशा सिखाया कि औरत को किस प्रति किस नजरिए से देखना चाहिए. तो बल्कि वीरेंद्र भाई ने जब मेरे को भाई हर हीरो पूछता है सामने कौन सी हीरो है, तो भाई साहब ने मेरे को ये नहीं बताया कि हीरोइन की शक्ल क्या है क्या है, इन्होंने ये बोल दिया कि भाई साहब एक्टर अच्छी है वो तो ब्रेस्ट कैंसर, इन्होंने डायलॉग ही ऐसे मार दिए कि मैंने पूछा ही नहीं कि शक्ल कैसी है सुर कैसी है. मैंने कहा भैया इतनी मजबूत औरत है तो सब शक्ल कैसी भी हो कुछ भी हो काम कर लेंगे हम लोग, उसको बचा ही नहीं ना कि समबडी हु सो स्ट्रॉन्ग कि वो कर रही है काम. एंड देन ऑफकोर्स ये अलग बात है कि इवन दैट टुडे आकांक्षा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो अलग बात है कि शी इज माय को-स्टार इन द फिल्म, बट शी जनरली इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि एक्टर होने के अलावा के एक ऐसी मजबूत औरत मेरी दोस्त है, क्योंकि आई एम ऑलवेज एडमायर्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन और मैं एक प्रोडक्ट हूँ मेरी जिंदगी में. आई लाइक टू सराउंड माई सेल्फ विद स्ट्रॉन्ग वुमेन, मैं गर्व से कहता हूँ मुझे कमजोर लोग मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आई फील वेरी पावरफुल व्हेन आई हैव स्ट्रॉन्ग पीपल अराउंड मी, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग वुमेन, बिकॉज मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ. सुशील रिमार्केबल एंड पर्टिकुलरली जब एक यूनिट या एक फिल्म बहुत ही कम एक्टरों के साथ होता है जैसे ये फिल्म है, तो नेचुरली बॉन्डिंग जो होती है काम करने का, और पर्टिकुलरली जहाँ पे सीन्स इमोशनल लेवल पे अग्रेसिव होते हैं गुस्से टाइप के होते हैं, कभी पता नहीं लगता कि पल पल पे क्या रिएक्शन होने वाला है, तो उस टाइम पे एक डीप इमोशनल कनेक्शन अपने को-स्टार के साथ होना बहुत जरूरी होता है. तो हम लोग इट वॉज वेरी नॉर्मल कि हम लोग कभी कभी 20 घंटे काम करते थे लगातार 18 घंटे काम करते थे, एंड इट वॉज नॉट अनकॉमन क्योंकि वीरेंद्र भाई नॉट ओनली द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म कैमरामैन भी हैं, तो कई बार ही कैमरा के पीछे भाई साहब बैठे बैठे सोए हैं शॉर्ट रेडी है, फिर खड़े हो जाते थे शॉर्ट लेते हुए, तो सर जी शॉर्ट रेडी है हाँ चलो देख करो, फिर झमकी ले रहे हैं फिर उठे हैं, बट इस तरीके का सब लोग वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ जो शॉट ले रहे हैं हमारे. राहुल मेरा एक सवाल जी सर, जो आजकल में आ रही है पिछले कुछ समय से कुछ हम खुद करते हैं बॉक्स ऑफिस पर तो सफलता ले लेती है लेकिन लॉन्ग वे में नहीं जा पाती, उन्होंने पैसा जरूर कमा लेती है हफ्ते दो हफ्ते चार हफ्ते चल के 500 करोड़ का हो गया 400 करोड़, पता नहीं रिकॉर्ड में है या वैसे ही है उनको आप जाने. सर मैं भी नहीं जानता हूँ इन सवालों में, तो मैं आपको सिंपल चीज बोलता हूँ, मेरे को तो ये सवाल आपका इससे भी सिंपल चीज पूछता हूँ सर. इंस्टाग्राम फेसबुक में लोग कहते हैं ये सुपरस्टार हैं इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं कहता हूँ कहाँ से सुपरस्टार हैं, वैसे भी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस के नंबर बन जाते हैं ना. लेकिन जो फिल्में आ रही हैं जैसे मैंने कहा बॉक्स ऑफिस बनता है नहीं है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जो पुरानी फिल्में चलती थी 25 हफ्ता आप चली 50 हफ्ते
से आया क्या लोगों को इस टाइप की फिल्म पसंद नहीं आती है लोग ऊब जाते हैं कि चलो दूसरी नई फिल्म देखे एक फिल्म को एक में देख लिया इसका एक ही कारण है हम लोग सब शिकार बन गए हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के हमको सिर्फ पैसा बनाना है हमको कंटेंट से कुछ लेना देना नहीं है हम लोगों को कोई मेहनत नहीं करना हम लोगों ने सब कर दिया कि हर मिनट का अपना चार्ज क्या है वो जो जुनून होता था वो जो पैशन होता था कि हम लोग एक्टर बनना चाहते हैं हमें अपने क्राफ्ट और कला से प्यार मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग नहीं है कुछ है लेकिन जिस संख्या से लोग इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं वो ज्यादा जुड़ रहे हैं नाम शोहरत और पैसा के कारण जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन गलत है अगर वही मोटिवेशन होता कि आपको इस काम से इस कला से प्यार है तो ये सब चीजें तो आपको मिल ही जाएंगी आपने मोटिवेशन ही गलत रखा हुआ है और उस मोटिवेशन को जल्दी से जल्दी पाने के लिए आप किसी भी तरीके से आप बिजनेस को नंबर गेम बना रहे हो उसको आप झूठे मोटे तरीके से मार्केटिंग करके आप कर रहे हो तो सर वो भांडा तो कभी भी फूटने वाला है अभी कई लोग मेरे को पूछते हैं कि आपके टाइम में ये पिक्चर इतनी चली आपको ये पिक्चर और इस पिक्चर में कितना फर्क पड़ता है मैं कहता हूँ 29 साल के बाद मेरे को पूछना पड़ता है आपकी ये पिक्चर किसी को याद है 29 साल में मेरी पिक्चर याद है आप यही पिक्चर जिसके बारे में आप तुलना कर रहे हैं 29 साल के बाद आप पूछना कि ये पिक्चर याद है तो कोई तो वजह होगी कि आज जो जनता है वो कुछ ऐसे फिल्मों को क्यों याद रखती है इतने सालों के बाद पुराने गाने आज भी क्यों चलते हैं पुराने गाने आज भी लोग क्यों गुनगुनाते हैं आप मुझे एक भी नया गाना ये बता दो कि कौन सा इंसान 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद उनके लिरिक्स भी जानता है कोई नहीं जानता है कोई याद भी नहीं करता है तो दीजा और ये सब फास्ट फूड वाली चीजें हैं ये कोई चलने वाला नहीं है नथिंग इज गोइंग टू लास्ट पर जो अच्छे कंटेंट वाली फिल्में हैं जो बनती हैं आजकल वो हमेशा लोग याद रखते हैं ये तो चलेगा सर मेरी तो उम्मीद है इतना मैं एक ही चीज कहूंगा कोई मेरे को गाली तो भी देगा कि सर आपने कोई गंदी फिल्म बनाई है अब चले ना चले मेरे को ना बोले क्योंकि कई अच्छी चीजें भी होती हैं जो नहीं चलती हैं यहाँ पे सर मेरा आपसे एक सवाल है जी। देश के आम नागरिक होने के नाते आप इस स्टेटमेंट पे क्या अपनी राय देना चाहेंगे मेघालय हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि भारत जो है वो हिंदू देश है और अगर कोई भी इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है तो प्रलय आ जाएगी आम नागरिक होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा अब तो ये बात नहीं रहा कि ये हिंदू देश है ये इतना डाइवर्स देश हो चुका है कि खिचड़ी बन चुकी है कितने कितने लोग कहां कहां के आंकड़े के आ चुके हैं हिंदुस्तान जरूर है बट मैं ये जरूर नहीं कहूंगा कि सिर्फ हिंदू है या मुसलमान है हिंदुस्तानी लोग हैं धर्म को मत लेके आओ इसको पोलिटिसाइज मत करो ये जरूर कहो कि हिंदुस्तान के लोग लेकिन एक राजनीतिक पार्टी को उसी धर्म के ऊपर चढ़ के अपना चुनाव जीतना चाहिए सर देखिए ये सब मेरे सीनियर हैं उन पर विशेष टिप्पणी नहीं दूंगा और चुनाव का इलेक्शन क्या है आज वोट तो पब्लिक दे रही है कई रीजन के कारण दे रहे हैं कुछ लोग जो है जो वोट देते हैं वो सिर्फ धार्मिक रीजन के लिए वोट नहीं दे रहे हैं उनकी दूसरी भी प्रॉब्लम्स है कमाई नहीं हो रही है सर ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ धार्मिक रीजन के लिए नहीं रोते हैं रोड पे आ रहे हैं लोग जब कमाई और रोटी और भूख की प्रॉब्लम होती है और अपने परिवारों को वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं उनकी वो चीज ज्यादा प्रॉब्लम देती है सर अभी ऐसा है इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ मैं वो नहीं देखिए क्या ये फिल्म जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो इंडस्ट्री खड़ी हो रही है देश
सर इंडस्ट्री क्यों सभी जगह हो रही है, आप इंडस्ट्री को क्यों बदनाम करते हो? मैं तो इतने आम लोगों को जानता हूँ, हमारे इंडस्ट्री में तो चलो खुली बात है, मैं तो इतने आम लोगों को जानता हूँ जो चार चार पांच पांच लोगों के साथ चलाते रहते हैं, नॉर्मल लोग, और वो तो कार भी नहीं है। स्टार को तो एक्सक्यूज तो मिल जाता है कि उसके पास पैसे हैं ये वो, मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ, ना शक्कर ना सूरत ना पैसे, वो चार चार पांच पांच लोगों को घुमा रहे हैं और बड़े गर्व से बोलते हैं, बीवी को नहीं, कोई डर नहीं है, खुद चला रहे घूमना। तो ऐसे लोग बोलते फिल्म फिल्म इंडस्ट्री के लोग, आज तो नियम हो गया। राहुल जी का सवाल है मेरा। हाँ जी सर। आप एक अभी बहुत फिल्मों के बारे में बताया जी सर, आपसे कुछ सवाल भी होंगे। हाँ जी, हाँ जी जी, क्योंकि आज की वो जोन है कल भी जाता है आज भी जाता है और कल भी जाता है जी सर। अभी एक सवाल था है पॉलिटिकल, तो आप अपने ब्रदर को क्या मैसेज देना चाहेंगे पॉलिटिक्स के बारे में? सब चुप रहना आपके पांच साल तक, क्योंकि सर मैं उसकी वजह बताता हूँ सर। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, सवाल ये नहीं है कि मैं किस पार्टी के समर्थ हूँ या कौन सा सामने पार्टी है, सर मुझे डर इसलिए लगता है क्योंकि सब लोग इतनी कमिटमेंट दे रहे हैं और पिछले 10 साल से लोग कमिटमेंट दे रहे हैं, शायद लोगों की इच्छाएं हैं कि वो देश के प्रति बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन इधर हो चुका है देश के साथ और आम नागरिक के साथ, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास के साथ, इतनी आबादी हमारी, इतने प्रॉब्लम्स हैं हमारे, और कुछ चीजें तो अच्छी हैं, विचारधारा अच्छी है, लेकिन जब भी कोई भी डिसीजन होता है ना, मेन प्रॉब्लम मिडिल क्लास लोगों को झेलना पड़ता है, और इसका कोई भी जो उपाय है ना, कोई भी करेक्ट नहीं कर सकता है। तो वेदर वो बीजेपी हो, वेदर वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी हो, डायलॉग बाजी तो सर हम हीरो लोग भी मारते हैं, इसका ये थोड़ा मतलब कि उसका सलूशन निकल गया। तो ये तो क्या समय बताएगा, चलो अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो उनको भी 5 साल का मौका दिया जाएगा, देख लेते हैं कि वो भी क्या करते हैं। तो अभी तो बेटर ये है ताला लगा लें मुंह पे और चुपचाप बैठ करके देखें तो होगा क्या। 2019 में चुनाव है, अगर राहुल रहा है, आवाज अगर संसद में पहुंचे, इसके लिए भी तो कुछ तैयारी करें, मुंह बंद करें, सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, बट 2019 का जो चुनाव है, यकीन मानिए जनता ऑलरेडी सोच चुकी है कि वो क्या करना चाहती है। अभी आपको कुछ चुनाव में कुछ रिजल्ट मिले, लेकिन पूरे भारत का तो जवाब नहीं मिला है, बहुत कुछ बाकी है अभी भी। आपने पार्टी बदल दी? नहीं सर। सर मैं पुराने कार्यकर्ता हूँ, एक जगह जहाँ हूँ वहीं पर हूँ सर। सर कोई बात नहीं, बदलने में टाइम नहीं लगता सर। और लेकिन टेलर भी है सॉरी, हाँ मुझे कोई पैसे नहीं मिले, मैंने फ्री में काम किया। देखिए ऐसा शुरू में कहा गया था, हम लोगों ने पहली दूसरी बातचीत में कहा था कि हम लोग फिल्म डिस्कस कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स जो है वो दरवाजे के बाहर ही रह जाएगी, तो वी आर कमिंग बैक टू द फिल्म और ट्रेलर। इसकी शूटिंग हरियाणा में चंडीगढ़ के पास एक जगह है मोरनी, वहाँ पर इसकी शूटिंग हुई है और कुछ पोर्शन इसका दिल्ली में शूट हुआ। अच्छा, कितने दिनों का मतलब साल लगे महीने? देखिए शूटिंग में तो हम लोगों को लगभग 2 महीने लगे, उसके बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काफी समय लगा, धीरे धीरे काम हुआ,
तसल्ली से एक अच्छा काम करने की सोच थी, और सबसे बड़ी सोच ये थी कि दिल्ली के फिल्म प्रोडक्शन हाउस से एक फिल्म निकल रही है तो उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसलिए बार बार अपने आप को चेक किया गया, बार बार अपने आप को जांचा गया कि कहीं कोई गलती ना हो, कमी ना हो। किसी भी तरह से हम दिल्ली के इस प्रोडक्शन को बॉम्बे के किसी भी प्रोडक्शन से पीछे नहीं रखते। देखिए कहाँ से आया, कितना आया, वो तो मैं आपको नहीं शेयर करना चाहती, बट हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई सपोर्ट नहीं है। ये प्रोडक्शन हाउस ने, को प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर ने मिलकर के अपना पैसा लगाया है, और जैसा कि राहुल जी ने कहा और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इस फिल्म में फैमिली ही ने काम किया है, लोगों ने परिवार बन के काम किया है। तो मेरे पास में जो राहुल जी बैठे हैं, इन्हें मैं आर्टिस्ट की तरह नहीं, एक्टर की तरह नहीं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मानती हूँ। और ये जो आभास मेरे साइड बैठे हैं, ये भी मेरे बच्चे की तरह है, इनको भी मैं कोई आर्टिस्ट नहीं मानती, और मैंने एक भी पैसा नहीं दिया, ये मैं यहाँ सबके सामने कह रही हूँ। और कोई मेरे पास फैमिली बनाने मत आना, फ्री में काम नहीं करूँगा। पहले ट्रेलर देख ले, क्योंकि सब लोग चाह रहे हैं ट्रेलर देखना, तो बाकी के क्वेश्चन ट्रेलर के बाद ले लें।